जब आपके पेरेंट्स डॉक्टर हो तो जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होती। तुम्हारे क्लासमेट्स की जिंदगी भी। एनाटॉमी क्लास के लिए कुछ विजुअल मटेरियल आराम से। ये वॉल्कोस की आदत है लेकिन इसके आसपास के लोगों को नहीं। ओ मॉम, बस एक साधारण शांति भरी पारिवारिक सुबह। हे मॉम, हे डैड, उफ कितना शर्मनाक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब और दर्द नहीं हो रहा। ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मम्मी पापा सोच रहे हैं। हमें अभी देखना होगा और पूरी जांच करनी होगी। सांस लो, सांस लो, हम उसे खो रहे हैं। हमें कुछ सीरियस मेजर लेने होंगे। सिर्फ घुटना? इतने बेतुके मत बनो, तुम्हारे सिर पर पट्टी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और एक दवाई भी लो सब के लिए। हाँ, तुम स्कूल के लिए लेट हो सकते हो। सलाह मशवरा काफी देर तक चली और स्कूल बस निकल गई। एक ही ऑप्शन बचता है, अपने मम्मी पापा के साथ काम पर जाना। वो चलो देखें यहाँ क्या चल रहा है। पहले नजर में कुछ भी असामान्य नहीं है लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। वाह, ये कुछ मजेदार तस्वीरें हैं। एक्सरे, वो ये पजल की तरह लगते हैं। लगता है इवॉल्व बोर नहीं होगा। ठीक है, कोई आ रहा है, शांत हो जाता हूँ। तुम इस फोल्डर में तस्वीरों को बिल्कुल नहीं मिला सकते लेकिन इसके लिए समय नहीं है। डैड अपने बेटे को देखने आते हैं। मैं मजे में हूँ, मजे करो बेबी, मैं पेशेंट्स को देखने जाता हूँ। ओह सर, कितना दुख रहा है, सहन नहीं हो रहा। चिंता मत करो, चलो एक्सरे के रिजल्ट्स देखें। अजीब है, दिक्कत तुम्हारे सिर में नहीं, तुम्हारे पैर में है और ये बहुत बड़ी वाली है। हमें एम्पुटेशन करना होगा। क्या? नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाकर भागो इससे पहले कि ये पागल डॉक्टर तुम्हारा पैर काट दे। आखिरकार ये एक अजीब ही कहानी है। लगता है इवॉल्व ने कुछ किया है। उसे सबक सिखाना होगा लेकिन इसके लिए मरीजों की मदद चाहिए। आइडिया सिंपल है, चलो टेस्ट जार में नींबू पानी डालें। बजाए तुम्हें तो पता ही है, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे हर कोई करना चाहता है। हॉस्पिटल में कुछ हट के इवॉल्व के पास आज एक बहुत जरूरी असाइनमेंट है, पेशेंट से टेस्ट इकट्ठे करना। ये काफी अच्छा काम तो नहीं है लेकिन डॉक्टर के बेटे की जिंदगी ऐसी ही होती है। ओह बेहुदा, ठीक है लगता है मुझे सब मिल गया। उम्मीद है मैं उल्टी नहीं करूँगा। ये लो डैड, खैर चलो देखते हैं। चलो एक ट्राई करें। चीयर्स बेटे। What? डैड क्या आप पागल हो गए हैं? आह ये अच्छा है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है। बच्चे से यही कहते हैं, है ना? ये सिर्फ नींबू पानी है, डरो मत। कैसे पापा हो आप? आज बहुत सारा काम है। ये रही एक और पेशेंट, वो प्रेग्नेंट है। इवॉल्व की मॉम उसका अल्ट्रासाउंड कर रही है। तुम स्क्रीन पर अब सब देख सकती हो। बजाए लेकिन इवॉल्व ने गेम खेलने का सोचा और उसके मॉनिटर को उसके कंसोल से जोड़ लिया। तो पहली बार अपने बच्चे को देखने के बजाय उन्हें मॉर्टल कॉम्बैट फाइट देखनी होगी। अजीब है। ओह ये मेरे बेटे ने किया है, माफ करना इवॉल्व। चलो भी मॉम, कोई बात नहीं, बढ़िया गेम है, मुझे खुद भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और कंट्रोलर मिल गया। क्लिनिक में ऐसा अल्ट्रासाउंड पहले कभी नहीं हुआ। ओह ये मुश्किल केस है, ये इंसान पट्टी से ढका हुआ है और इवॉल्व को बिल्कुल दया नहीं आती। वो इस हालात का फायदा उठाने का सोचता है। खेलने का समय है, क्या तुम्हें कुकी चाहिए? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। इवॉल्व के मम्मी पापा को भी स्नैक खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लंच ब्रेक का समय है, कटलरी हमारे लिए नहीं है, हमारे पास ये सब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो काफी काम आते हैं जब आप सुशी खा रहे होते हैं। और ये बीकर जूस के लिए बढ़िया है। उप्स, लगता है इवॉल्व के साथ छोटा सा हादसा होने वाला है। हाँ आप कितनी देर तक एक मग को पकड़ सकते हैं? हे क्या हुआ, तुम इतने क्लमजी क्यों हो? ये मॉनिटर बीप क्यों करा जा रहा है? तुम भी इससे परेशान हो, है ना? तो चलो इसे बंद करें और छुटकारा पाए।
लेकिन अब इवॉल्व के डैड को अपना लंच पोस्टपोन करना होगा। एक कमरे में से जरूरी बुलावा आया है। यहाँ क्या हो रहा है? ओह कुछ नहीं, बस इवॉल्व ने पेशेंट को सारी मशीन से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इवॉल्व तुमने क्या किया? निकल जाओ। ठीक है, मुझे ये ठीक करना होगा। ये पेशेंट होश में आ गया, लेकिन बिस्तर गीला क्यों है? कोई बात नहीं, सफाई करने वाली आ रही है। परिस्थिति को समझाना बेकार है और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सिर्फ पानी है। लोग हर समस्या के लिए क्लिनिक में आते हैं, जैसे कि ये जवान आदमी यहाँ है, उसे साइकेट्रिक टेस्ट की जरूरत है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, बॉटल वापस दो और स्कल भी। तस्वीरों को देखो, तुम्हें क्या दिखा? और इधर इस बारे में क्या? इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। जाहिर सी तो बात है, ये इवॉल्व की तस्वीरें हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो यहाँ कैसे आई। ठीक है, इस हिस्से को स्किप करते हैं। शांत हो जाओ और चलो टेस्ट जारी रखें। ऐसा लगता है इवॉल्व अपने मम्मी पापा की नौकरी में काफी अच्छी तरह से बस गया है और ये घर जैसा है। बस एक दिक्कत है, उसके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो गई। फिर से हो गया, क्या करूं? डेफिब्रिलेटर। मैंने कितनी बार मम्मी और पापा को इस चीज से लोगों को ठीक करते हुए देखा है। ये शायद फोन संभाल सकता है। खैर इधर रुको, पसंदीदा गैजेट क्लियर। कुछ नहीं हुआ, मैं इसे कैसे चालू करूं? चलो फिर से कोशिश करें। प्लीज जाग जाओ प्यारे आईफोन। क्लियर। ओह, ये पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने वाला। ये लड़की बहुत घबराई हुई लगती है। उसे टेस्ट के लिए खून देने में बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, ये बस एक मच्छर के काटने की तरह है। ओह, ये सिरिंज काफी बड़ी है। ये वाली भी, ये एकदम ठीक है। हमें जल्दी खून इकट्ठा करना होगा, वरना ये लड़की डर से मर जाएगी। इवॉल्व हमेशा की तरह समय पर है। अब क्या हुआ? ओह मॉम, जल्दी करो, वो आपको बुला रही है। तो रास्ता साफ है। टमाटर का जूस, पता नहीं वो क्या करने वाला है। जब मरीज बेहोश है तब टेस्ट बदल देना और लैब को टमाटर के जूस का पता लगाने दो। हालांकि मेरे पास बेहतर प्लान है। तुम जाग गई, मैं पीने वाला हूँ खून। मुझे अपना हाथ दो। इवॉल्व बंद करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? चिंता मत करो, वो बस टमाटर का जूस है। इधर देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप भी वैम्पायर हो। ये दिन कब खत्म होगा? बहुत बोरिंग, मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मैं हमेशा से पापा की यूनिफॉर्म पहनना चाहता था। डॉक्टर की तरह कपड़े पहनना ये बढ़िया आइडिया है। पहले हैट और अब बाकी सब। बुरा नहीं है। रुको, लेकिन मैंने इस प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे उनसे निपटना होगा। डॉक्टर, ये गमोनिया कैसी है? मुझे लगता है मुझे एलर्जी हुई है। मैं क्या करूं? बहुत खुजली होती है, मुझे सोचने दो। मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है काफी सारी कैंडीज की। ये बिल्कुल उल्टा है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है। ओ नहीं, मुझे ये सब बस करना होगा, वरना वो मुझसे ऑपरेशन भी करवा लेंगे। और फिर से तुम्हें मरीजों के साथ कमरे में समय बिताना होगा। ये काफी मजेदार है, कम से कम मेरे पास मेरे पसंदीदा स्किटल्स तो हैं। सिर्फ एक ही तरह का एंटरटेनमेंट बचा है कि मैं अपनी कैंडी को उछाल कर अपने मुंह में डालूं। मैं बढ़िया कर रहा हूँ। उप्स, गलत जगह। अब ये खतरनाक है, उसका दम घुट सकता है। हमें लड़के को बचाना होगा। एक डॉक्टर का बेटा होते हुए इवॉल्व जानता है कि क्या करना है। एक दो तीन, ये बाहर निकल गया, लेकिन फिर से गलत डायरेक्शन। अब हमें इसे बचाना होगा। खैर मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। इवॉल्व, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बहुत गर्व है, मेरा बेटा जान बचा सकता है। बहुत बढ़िया इवॉल्व, हमने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है। लेकिन रुको, ये स्किटल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ इवॉल्व,
क्या आपको डॉक्टर के अपने बेटे को काम पर लाने के बारे में ये मजेदार वीडियो पसंद आई? आपके मम्मी पापा लिविंग के लिए क्या करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। पेरेंट्स और उनके बच्चों के बारे में ट्रुम ट्रुम पर नए स्केचेस मिस ना करें।